हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के संग बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की चिंगारी अब ताज नगरी आगरा में भी सुलग उठी है। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी प्रांगण के भीतर डीजीपी का पुतला फूंका और हमलावर पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चलें कि हापुड़ में पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं पर बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज किया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई महिलाएं भी लाठीचार्ज में घायल हो गई थी और लगभग 150 से अधिक अधिवक्ता भी लाठीचार्ज में घायल हुए थे। कुछ बेहद ही गंभीर अवस्था में हैं, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर ताजनगरी आगरा में भी अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश को लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी प्रांगण के भीतर डीजीपी का पुतला दहन किया। माध्यम से ये पुतला फूंका गया, साथ में जनमंत्री संयुक्त रूप से हम लोगों ने पुतला फूंका और आज जो था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो आदेश उसको प्रतिबंध लाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? आज देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग डीजीपी का, मुख्य सचिव का पुतला फूंक रहे हैं। हापुड़ के अंदर अधिवक्ताओं के ऊपर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। गाजियाबाद के अंदर अधिवक्ता के नारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मेरठ में अधिवक्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लिखा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? बार काउंसिल ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद 3 दिन की हड़ताल घोषित की गई, जिसमें आज दूसरे चरण में आज हमें मुख्य सचिव और डीजीपी साहब का पुतला दहन करना था, जिसका आज हमने पुतला दहन किया। हमने सरकार से मांग की है हापुड़ के दोषियों को, गाजियाबाद के अधिवक्ता के दोषियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। चौधरी अजय सिंह ने बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है जो पुलिस अधिवक्ताओं को भी झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजने का कार्य कर रही है। पूर्व में भी दीवानी प्रांगण के भीतर ही गाजियाबाद में अधिवक्ता पर फायरिंग की गई थी, परंतु अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। डीजीपी का आज पुतला फूंका गया है। बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये न्याय पे हमला है, न्याय पे हमला है, अगर अधिवक्ताओं के साथ हमला है। इसके लिए हम मांग, बहुत पुरानी मांग चली आ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हमारी सरकार से ये बहुत बड़ी मांग है कि जल्दी से जल्दी अधिवक्ता अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे। इस तरीके से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और संवैधानिक संस्थाओं हैं उनके पदाधिकारियों पर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज जिस तरीके से शासन प्रशासन का ये पुतला फूंका गया है, उसका घोर समर्थन करते हुए मांगे यही है, चेतावनी है लोगों की कि जो ये संस्थाएं हैं, बार काउंसिल के मेंबर्स, आगरा ये एडवोकेट्स जो हैं, इनको बाजाबे इन लोगों से पुलिस प्रशासन जिस तरीके से वैमनस्यता रखता है और जिस तरीके से क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा है अधिवक्ता साथियों पर और न्यायालयों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम उनको चेतावनी देते हैं, इससे बाजाए, अन्यथा इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज को अंजाम दिया है, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। यदि उनकी मांग पूर्ण नहीं होती तो अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। डीजीपी के पुतला दहन के दौरान दीवानी प्रांगण को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।